मधुबनी जिले के अरेड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ढांगा पुवारी टोल में बीते रात करीब 9 बजे के आपस में मारपीट व बदसलूकी करने से रोकने गई अरेड़ थाना पुलिस पर आरोपित समूह द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपितों के द्वारा अरेड़ थाना अध्यक्ष नेहा निधि व पुलिस कर्मियों को करीब 2 घंटे तक बंधक बनाकर गाली गलौज व बदसलूकी की गई और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हुए थाना अध्यक्ष का मोबाइल भी छीन लिया गया। थाना अध्यक्ष द्वारा घटना की सूचना SDPO को दिए जाने के 1 घंटे बाद रहिका थाना, कलवाही थाना और ओंसी OP की पुलिस मौके पर पहुंचकर थाना अध्यक्ष व पुलिस कर्मियों को बंधक से मुक्त कराया और सभी घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए रहिका PHC भिजवाया। मिली जानकारी के अनुसार ढांगा पुवारी टोले के पशुपतिनाथ मिश्र की पुत्री साक्षी कुमारी मैट्रिक की परीक्षा में शामिल है। साक्षी गांव की अन्य लड़कियों व आरोपित पक्ष के शैलेंद्र ठाकुर की पुत्री के साथ मिलकर सामूहिक रूप से एक ऑटो रिजर्व कर मधुबनी मुख्यालय के वाटसन +2 उच्च विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र रोज परीक्षा देने के लिए आया जाया करती थी, जहाँ बीते सोमवार को परीक्षा देकर लौटने के क्रम में साक्षी को आरोपित पक्ष की लड़की विनती ठाकुर से अगली सीट पर बैठने को लेकर कहा सुनी हो गई। घर पहुंचने पर विनती ठाकुर ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी तो मंगलवार को परीक्षा से लौटने के क्रम में ऑटो घेर कर और दूसरा कलवाही चौक के पास नाश्ता करने के लिए रुकने के दौरान विनती के परिजनों ने साक्षी को डांट फटकार करते हुए धमकी दी। घर लौटने पर साक्षी ने भी पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। इसके बाद साक्षी के परिजन इस बात की शिकायत विनती के परिजनों से करने पहुंचे तो दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया। इसके बाद आरोपित पक्ष ने समूह बनाकर साक्षी के घर पहुंच उसके परिजनों के साथ गाली गलौज बदसलूकी व मारपीट करने लगे। इस बात की सूचना साक्षी की बहन रोजी ने अरेड़ थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर दलबल के साथ पहुंचे अरेड़ थाना अध्यक्ष व पुलिस वालों ने पीड़ित लड़की व उनके परिजनों के साथ की जा रही बदसलूकी व मारपीट करने से आरोपितों को रोका तो आरोपित पक्ष के लोग थाना अध्यक्ष व पुलिस वालों के साथ भी गाली गलौज और बदसलूकी करते हुए मारपीट करने लगे। इस क्रम में आरोपित पक्ष के लोगों ने थाना अध्यक्ष व पुलिस कर्मियों को अलग अलग कमरे में बंद कर घंटों तक बंधक बनाए रखा और थाना अध्यक्ष का मोबाइल भी छीन लिया, साथ ही पुलिस वाहन पर भी हमला कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद वरीय अधिकारियों को इस बात की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर अगल बगल के थाने को इस बात की जानकारी दी गई। आसपास के 3 थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर बंधक बने थाना अध्यक्ष के साथ ही अन्य पुलिस को मुक्त करवाया। इस संबंध में अरेड़ थाना अध्यक्ष नेहा निधि ने अपने खुद के बयान पर अरेड़ थाने में ढांगा गांव के पुवारी टोला के गुलाब ठाकुर, लाल बाबू ठाकुर, जय प्रकाश ठाकुर उर्फ कारी ठाकुर, शैलेंद्र ठाकुर, बिकाऊ ठाकुर, निर्मला देवी, विनती ठाकुर, भगवान जी यादव, रवि साव, सुजीत ठाकुर, राहुल कामत व मनीता कामत के साथ ही अन्य 25 अज्ञात महिला एवं पुरुषों के खिलाफ पुलिस बलों पर हमला करने, बंधक बनाने, गाली गलौज व बदसलूकी करने, धमकी देने एवं सरकारी कार्यों में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं बुधवार को 3 लोगों को पुलिस अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस बाबत SDPO नेहा कुमारी ने बताया है कि मामले की जाँच की जा रही है, आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, एक भी आरोपित बख्शे नहीं जाएंगे। लड़की रोते हुए फ़ोन की थी मेरे सरकारी नंबर पर, तो मैं गई देखने के लिए अपना ये सत्यापन करने के लिए। फिर मैंने लड़की से पूछताछ की कि कैसे कैसे हुआ। उसने बोला कि मेरी बहन जो अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रही है वो कल कलवाही से आ रही थी, और कलवाही से मतलब जो अभियुक्तगण है उसकी भी एक बेटी है विनती कुमारी प्राथमिक अभियुक्त है, वो भी उसी ऑटो से जो साथ में ही आया जाया करती थी। तो एक लड़की जो ऑटो में थी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उल्टी हुआ था और सर में दर्द था। तो वो लड़की बोली कि थोड़ा सा मचा, मेरे सर में दर्द है। इसी क्रम में सारे बच्चों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद ये लोग घर आए, और घर आने के बाद अपने अपनी फैमिली को बताए। फिर अगले दिन वो लोग साथ में एग्जाम देने गए, तो जो दूसरे पक्ष की लड़की थी उसके भाई लोग रास्ते में वहीं से लौटते समय जब ये एग्ज़ाम देकर लौट रही थी, तो उस लड़की से साथ बदतमीजी शुरू किया, फिर उसका ऑटो रोक लिया, रोकने की कोशिश किया। इसी बात को लेकर 2-3 दिन से इन लोगों में चल रहा था। उसके बाद कल शाम को मैं संध्या गश्ती में निकली हुई थी, अचानक से मुझे रोजी कुमारी नाम की लड़की का फ़ोन आया, और उसने बताया कि मेरे घर में घुस के बहुत सारे लोग मारपीट कर रहे हैं, मेरी माँ और बहन को मार रहे हैं, मुझे भी मार रहे हैं। तो मैं ये घटना का सत्यापन करने के लिए घटनास्थल पर पहुँची, और मैंने दोनों पक्षों का बात सुना,
लेकिन पहला पक्ष का बात सुनते ही और फिर दूसरे पक्ष को मौका दिया मैंने, तो वो लोग बात नहीं किए और बोले कि आप लोग क्यों आए हैं, किसके परमिशन से आए हैं, क्यों आए हैं आप। और उसके बाद जब लड़कियों से पूछा गया तो हमने बताया कि ठीक है लड़के लड़की में झगड़ा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन लड़कों ने घर में घुस के क्यों मारपीट की। तो वो सारे लोग उग्र हो गए। फिर जो लड़के उग्र थे उनमें से मैंने एक को गाड़ी में बैठने के लिए कहा, उसी बात पे वो और मैं गाड़ी बैठाई उसको, इसी बात पे पूरी 100 से ज़्यादा लोग और सब गाड़ी फेर दी और मेरे गाड़ी में हम लोग को भी और उसके बाद मेरा मोबाइल, जब मैं हम लोगों को समझाई कि ऐसा मत करो।